करे राष्ट्र का जो उत्थान करे उसी को हम मतदान नमस्कार एवं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मैं कक्षा ग्यारहवीं अ की छात्रा देवयानी लामा आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय मतदान दिवस के इस अवसर पर इस दिवस के महत्व के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगी राष्ट्रीय मतदान दिवस भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काफी महत्वपूर्ण दिवस होता है यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अहम दिवस है इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनावी प्रक्रियाओं में भागीदारी लेने की शपथ लेनी चाहिए क्योंकि भारत के हर व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में समान रूप से भागीदार बनता है भारत में होने वाले चुनावों को निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है इसकी स्थापना हमारे भारतीय संविधान लागू होने के ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुई थी इसी दिन को, को यानी 25 जनवरी 2011 से हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच और युवाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना है जिससे अधिकतम तौर पर लोगों की चुनावी प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके इसके अलावा प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंप दिए जाएंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन लोगों को यह भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है भारत के प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है क्योंकि आम आदमी का एक वोट ही सरकारें बदल लेता है इसलिए हमें सोच समझकर ही अपने प्रतिनिधि चुनने चाहिए और प्रतिनिधि चुनते वक्त हमें कभी भी उनके जाति लिंग धर्म के आधार पर उनका भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने सार्वभौमिक व्यसक मताधिकार का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि चुनाव एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने आहुति रूपी वोट डालने की आवश्यकता होती है बिना वोटों के या बिना मतदाताओं के कोई भी चुनाव कराना असंभव है इसलिए प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए इस राजनीतिक अधिकार का इस्तेमाल करना आना चाहिए और उन्हें इस सार्वभौमिक मताधिकार की जानकारी भी होनी चाहिए हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा ये गलत प्रवृत्ति की सोच किसी के मन में नहीं आनी चाहिए वो अपने वोट देकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं और चुनावी प्रक्रियाओं में अपनी पूरी भूमिका अदा करें धन्यवाद कोर्ट we do not have the government by the majority. we have the government by the majority who participate. unquote, thomas jefferson. good morning, everyone. today, i am shetha singh of class 12b. is here in front of you to put my views on the topic national voters' day. as ms. hillary clinton says, that voting is the most precious right of every citizen, and we have a moral obligation to ensure the integrity of our voting process. Working on these lines, the Election Commission of India is celebrating the 12th National Voters' Day, which is dedicated to the crores of voters of the country. The National Voters' Day is utilized to spread awareness among the people about the importance of voting and participating in the electoral process of one of the world's largest democracies. On National Voters' Day, new voters are felicitated and handed over their electoral photo identity card. Last year our prime minister Mr Narendra Modi congratulated the Election Commission of India and wrote on the Twitter that National Voter Day is an occasion to appreciate the remarkable contribution of the Election Commission to strengthen our democratic fabric and ensure smooth conduct of election The day has been observed on January 25 every year since 2011 all across the country to mark the foundation day of the Election Commission of India on January 25 1950 the main purpose of the celebration of this day is to encourage, facilitate and maximize enrollment, especially for the new voters. Voting is one of the founding pillars of democracy. This option should be exercised by all of the citizens of the country punctually.